नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव और रेबन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, पिछले 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एग्ज़ाम किसी का भी हुआ हो, उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का समावेश मैंने एक वीडियो में करके सोचा है। लेकिन एक वीडियो में तो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बार बार आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। रोज़ 3 बजे एक मॉक टेस्ट आता है और 3 बजे रेवन स्टडी चैनल आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाता है। आप इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान रखिए, रोज़ वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं। चलिए, पहला प्रश्न जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में है एक विद्यालय में, यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को वरीफा मिलता है, ठीक है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जिनको वरीफा नहीं मिलता। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो एक तरफ बॉयज़ हो गए, बॉयज़ और गर्ल्स में अनुपात दिया कितना, 3:2। ठीक है, अब चूंकि अनुपात में निश्चितता नहीं होती है, इसलिए हम मान सकते कि लड़के 300 हैं और लड़कियां 200 हैं। मान लिया, 3000 2000 भी मान सकते हैं आप, 3 लाख 2 लाख भी मान सकते, कुछ भी मान लो, क्योंकि अनुपात में निश्चितता नहीं होती। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बताओ कि 20% यहाँ पे लिखा है लड़कों को वरीफा मिलता है और लड़कियों को 25% मिलता है। अगर लड़कों में 20% को मिलता है, तो अगर मोटा मोटा हम सोचें तो कितनों को नहीं मिलता, 80% को नहीं मिलता। तो अगर आप एक चीज़ बताओ, जो 80% इनके हो गए और 25% लड़कियों को मिलता है, तो 75% को लड़कियों में नहीं मिलता वजीफा, क्योंकि प्रतिशतता ये पूछी है कि वजीफा कितनों को नहीं मिलता, इसलिए हम वही निकालेंगे जिनको नहीं मिलता है। तो भाई 300 का 80% निकाल दो, बॉयज़ निकल आएंगे जिनको वजीफा नहीं मिलता। निकालो 300 का 80% निकालो, कितना आएगा, 100 × 300 × 8 = 24, 240 आ गए, 240 लड़के जिनको वरीफा नहीं मिलता, और 200 का आप 75% निकाल दो, 100 × 200 = 75 × 150, ये 150 लड़कियां आ गई जिनको वरीफा नहीं मिलता। ये तो बॉयज़ हैं, यहाँ लिख लें बॉयज़, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और एक गर्ल्स हो गई, ठीक है, एक गर्ल्स हो गई। अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत बराबर क्या निकालेंगे हम, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, पहले तो ये निकाल लो कि कितनों को नहीं मिलता, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 240 और 150 जिनको वरीफा नहीं मिलता, तो 240 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 390। ठीक है, अब कुल विद्यार्थी कितने हैं, क्योंकि प्रतिशतता उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में निकलेगी जिनकी, जो कुल और लड़कों, कुल लड़के और लड़कियों की संख्या है, तो 300 और 200 मिला के कितने हो रहे हैं, 500, यही है कुल विद्यार्थी। तो 500 के परिप्रेक्ष्य में 300 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, तो निकालो, 100 × 5 = 500 कट के ना, और 5 से इनको काट दो, तो 5 × 7 = 35, 4 × 5 = 75, 4 × 5 = 40, 78% विद्यार्थी ऐसे आएंगे जिनको वरीफा क्या होता है, नहीं मिलता है। ये उत्तर था बिल्कुल, बहुत से लोगों का आया है, जिनका नहीं आया है वो आप लगा लीजिए यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न, आज का मॉक टेस्ट ए रहा, और पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, एक ए है, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ाई दिया, बहुत आसानी से आपको अच्छे से समझ में आ गया है ये चैप्टर, और आप ये सवाल बिल्कुल लगाने वाले हो। कुल काम निकाल लेते, कितना, 30, एक कुल काम है, मतलब 30 कुल दीवारें हैं जो ए और बी को बनानी है, तो एक दिन का काम निकाल लो भाई, 10 दिन में पूरा तो 1 दिन में 3, 15 दिन में पूरा तो 1 दिन में 2। ठीक है, 3 दीवारें ए बनाता है, बी दीवारें दो दीवारें बनाता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए, सवाल में लिखा है। तो एक चीज़ आप सोच लो कि अगर बी काम छोड़ के जा रहा है, तो ए व्यक्ति है ना, जो ए आदमी है, ए जिसका नाम है, उसने पूरे 8 दिन काम किया। ठीक है, 1 दिन में 3 काम करता है ए, तो 8 दिन तक अगर इसने काम किया तो कितना काम कर लिया, 8 × 3 = 24, 24 दीवारें भाई साहब किसने बनाई, ए ने, कुल दीवारें कितनी थी, 30। ठीक है, 30 में से 24 तो ए ने ही बना दी, तो देख लो बची कितनी, 6 दीवारें एक कौन बना के गया है, कौन बना के गया है, बी, क्योंकि भाई बी छोड़ के गया ना काम, तो बी 6 दीवारें बना के गया था। ठीक है, बाकी तो ए ने किया ही है। ठीक है, अगर बी ने 6 दीवारें बनाई हैं, तो हम समय निकाल लेंगे कि बी ने कितने दिन में 6 दीवारें बनाई हैं, कैसे निकालेंगे, समय बराबर कुल काम कितना है, 6 / समय, 1 दिन का समय किसका, बी का, तो कितना है, तो देखो ये लिखा, तो 2 × 6, मतलब 3 दिन में बी ने कितना काम कर दिया, 6 दीवारें बनाई थी। अब देखो यहाँ का क्या पूछा है, कितने दिन पूर्व, अगर सवाल में पूछा होता कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो भाई ए आपका उत्तर हो जाता, लेकिन उसने पूछा है कितने दिन पूर्व, तो पूर्व कैसे निकालते हैं, पूर्व के दिन कैसे निकालेंगे,
पूर्व के दिन के लिए क्या करेंगे, कुल दिन कितने थे 8, उसमें से 3 दिन घटा दो, उतने दिन घटा दो जितने दिन उसने काम किया। तो भाई 5 दिन पूर्व बी काम छोड़कर चला गया। कहाँ है ए, रहा आपका ऑप्शन और उत्तर आ गया है ए। चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आया भी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, एक टब को नल ए 12 मिनट में, नल बी 15 मिनट में भर देता है, ठीक है। भरने दो, ए है ए 12 मिनट में भर देगा और बी 15 मिनट में भर देगा, कुल निकाल लो, कुल काम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। ये 60 टब भरने हैं ए और बी को, ठीक है ठीक है। एक मिनट का निकाल लो, 12 पंचे 60 भाग देते ना, और 15 चौके 60। ये तो चैप्टर पढ़ ही लिया, बहुत आसानी से आ जाएगा। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, भाई दोनों को एक साथ खोला तो 1 मिनट में दोनों भरते हैं 9 टब, ठीक है। और दोनों ने 3 मिनट तक तो काम किया ही है, तो 9 30 27 टब तो आपके भर ही गए, ठीक है। इसके बाद ए भैया को बंद कर दिया गया, तो पहले देख लो शेष बचे कितने, शेष निकल आएंगे ना, शेष बचे 60 में से 27 चले गए, 33 टब बचे आपके जो आपको भरने हैं। अब ए तो बंद कर दिया गया, बचा कौन, बी। तो समय निकालेंगे, समय पूछा ना, और पूछा भी यही है कि शेष टब को नल बी कितने मिनट में भर देगा। समय बराबर होता है कुल काम, बचा कितना 33 बटे 1 मिनट का काम किसका, बी का, तो कितना है, सॉरी ए रहा 4, तो 4 बस दे दो भाग, 4 8 32 एक शेष बचेगा, 8 सही 1/4 मिनट। कहाँ है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताओ इतना आसान है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहता है कि एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है, ठीक है। दूरी समान है, ठीक है, बिल्कुल समान है, चाल समय दूरी अभी लेटेस्ट हमने फिनिश किया है तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा। अगर दूरी समान है तो हम चाल में अनुपात बना के समय में अनुपात बना सकते हैं, समय में अगर संबंध दिया है तो समय में संबंध बिल्कुल दिया है तो हम बनाएंगे, ठीक है। देखो क्या है, तीनों दूरियां समान हैं तो चाल में अंतर बनाओ, चाल में क्या बनाओ, अनुपात 15 12 और 20, ये चाल है, अनुपात बना लो, समान कुछ है नहीं इसलिए चाल आपकी इतनी ही रहेगी। अब समय में आपको अनुपात बनाना है, एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगी क्योंकि लेटेस्ट मैंने ख़त्म किया है तो सब कुछ बताया है कि चाल और समय में संबंध ये होता है कि समय चाल का उल्टा होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल जस्ट उल्टा। अब देखो अगर चाल में अनुपात ए अनुपात बी है, ठीक है, तो समय में अनुपात बी अनुपात ए हो जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब दो चीज़ों में तो होता जाता लेकिन अब तो 3 है कि नहीं, 3। अब अगर 3 हैं तो आप कैसे करोगे, बिल्कुल अनुपात में क्या होता है, 3 लोगों में उल्टा ही तो करना है, व्युत्क्रमानुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबको पलट दो, 1/15 1/10 और 1/12 है, माफ़ कीजिए 12 और 20, 1/15 1/12 और 1/20। अब 15 12 20 का लो एलसीएम, जितना आए उसका प्रत्येक पद में करो गुणा, करो अनुपात, बहुत अच्छा निकल के आएगा आपका, ठीक है ऐसे, ठीक है। देखो 15 चौके 60, 4 बार 12 पंचे 60 और 20 30 60, तो 4/5/3 किस में आ गया, समय में अनुपात, क्योंकि ये चाल में था, व्युत्क्रमानुपात कर दिया इसलिए उल्टा हो गया। अब क्या बोलता है कि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों, ठीक है, तो कुल कितने घंटे लग रहे हैं, देखो 4 5 3 सबको जोड़ दो, 5 4 9 3 12, 12 बराबर आपका निकल के आया है 12 घंटे, दिया गया है कि नहीं, तो आप यहां से निकाल लोगे 1 बराबर कितना, 1 घंटा है कि नहीं। अब देखो अगर 1 बराबर 1 घंटा और यहां 4 बराबर निकाल लो तो कितना होगा, 4 घंटा, ऐसे ही 5 बराबर तो 5 घंटा, 3 बराबर 3 घंटा और ये 4 घंटा, ठीक है। अब कोई एक उठा लो, या तो पहली चाल और पहला समय उठा लो, या दूसरी चाल और दूसरा समय उठा लो, कोई भी उठा लो, जो भी आपका मन हो कुछ भी उठा लो। क्या पूछा है कि प्रत्येक दूरी कितनी है, दूरी चाहिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, कोई भी चाल उठा लो, पहली चाल उठा ली 15, तो पहली चाल को किस समय से जा रहा है वो 4 घंटे में, तो 15 गुणा 4, क्योंकि चाल गुणा समय, तो 15 चौके 60 किलोमीटर, बताओ ये उत्तर। किसी से भी उठा लेना 60 किलोमीटर ही आएगा, और समान दूरियां हैं प्रत्येक की पूछिए, तो 60 किलोमीटर उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा,
अगला सवाल क्या है कि एक नाव नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है, ठीक है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब चूंकि नाव गतिमान है और नदी में गतिमान है तो दो चालें आपको मिलेंगी, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल, ठीक है। दो चालें होगी हमेशा होगी, ठीक है, अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक। इतनी बात आप कंठस्थ याद रखो, ठीक है। अब देखो अनुकूल चाल क्या होती है कि अनुकूल चाल मतलब धारा के साथ जाएगी, तो धारा के साथ जब कोई नाव जाएगी तो धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाती है। तो नदी की चाल कितनी है, यही धारा की चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनकी अनुकूल चाल कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो कितना होगा, 4 और 2 6 अनुपात बनाएगी। अब देखो क्या करना है, अब ये करना है कि प्रतिकूल चाल कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे, क्योंकि विपरीत में क्या होता है कि नदी और धारा, नदी और नाव दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट ऐसे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते थे, चाल को घटा देते, तो घटा दो चाल, तो 4 में से 2 चले गए, तो इनका बना लो अनुपात, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, ये तो चाल में था, ठीक है, ये चाल में था आपका। आप समय में बनाओगे तो भाई जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1:3 इस समय में हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पुनः वापस जाने में और पुनः वापस आने में कुल कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। तो यहाँ देख लो कितना, 4:4, तो 1 और 3 मिला के 4:4 बराबर 4 घंटे, तो 1:4 बराबर आया 1 घंटा, आया कि नहीं, सबका निकाल लो। अगर 1:4 बराबर 1 घंटा तो यहाँ से कितने घंटे हो गए, 1 और 3:4 बराबर 3 घंटा, तो 1 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। अब कोई एक उठा लो, देखो पहली चाल उठाओ आप, पहली कितनी चाल थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, नहीं तो आपको क्या चाहिए, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। पहली चाल कितनी निकाली थी, क्योंकि अनुकूल चाल से अगर आप लोगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, ठीक। कितने घंटे लग रहा है, 1 घंटा, 1:4 दिया ना, 1, तो 6 एकम 6 किलोमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इतना आसान था, सी ऑप्शन आपका सही, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि एक समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है, ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है, ऐसे होता समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा चूंकि समान होती है और दोनों के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधे आधे पे काटते हैं और 90° का कोण बनाते हैं। अब चूंकि सारी भुजाएं समान होती हैं इसलिए प्रत्येक भुजा कितनी हो गई, 5, ठीक है, और जो विकर्ण है वो आधे आधे पे काटता है, समद्विभाजित करता है, तो अगर A4 तो A4, क्योंकि पूरा कितना है, 8, ठीक है। अब देखो कोई एक आकृति उठा लो, आपने जैसे यही उठा ली, ए वाली आकृति उठा ली ऐसी, ठीक है, तो अगर ए आपका क्या हो गया, देखो 90° का कोण बनना, और ए लंब हो गया, ए आधार हो गया, तो ए कर्ण है कि नहीं, है कि नहीं कर्ण। अगर कर्ण 5 है, आधार 4 है, तो लंब कितना होगा, 3, हमेशा होता ही है, ये चीज़ होती है समकोण त्रिभुज में कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट चलता है। अगर ये 3 है तो पूरा विकर्ण, चूंकि क्या होता है कि आधे आधे पे काटता है, तो अगर आधा विकर्ण 3 है तो आधा कितना हो जाएगा, 3, तो पूरा कितना, 6। तो देखो आपका D1 तो दिया हुआ था 8, D2 आपने निकाल लिया कितना आया, 6। अब क्या चाहिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, लगा दो, 2 चौके 8, तो 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न ये रहा, क्या लिखा है कि किसी कमरे की फर्श की माप 10 मीटर 8 मीटर है, इस पर अधिकतम माप की कितनी वर्गाकार डिजाइन बनाई जा सकती हैं। देखो अधिकतम माप की जब भी कहा जाए ना, अधिकतम माप तो जो आपको दी ना भुजाएं उनका निकालो मासा, क्योंकि अधिकतम माप की है तो मासा जरूर निकलेगा, ठीक है, बड़ी से बड़ी, तो 10 और 8 का लेंगे मासा, तो इनका अंतर ले लो कितना आएगा, तो यही होगा मासा, ठीक है, मासा हमेशा अंतर होता है संख्याओं का, नहीं होगा तो उनका जो आप गुणनखंड कर लो, अंतर है उनका गुणनखंड कर लो, तो उनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा। ये जो 2 निकल के आया है ना, ये वर्ग की भुजा है, जो वर्गाकार टाइल है ना, वर्गाकार डिजाइन, उसकी भुजा भुजा। अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए कितनी डिजाइनें बनाई जा सकती हैं, इसके लिए क्या करना है, संख्या चाहिए आपको, डिजाइनों की संख्या। क्या करो, जिस आकृति में आपको डिजाइन बनानी है उसका क्षेत्रफल किस में बनानी है, कमरे के फर्श पे, तो उसके क्षेत्रफल कितना होगा, भाई लंबाई और चौड़ाई दी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होगा, बटे
जिस डिजाइन की बनानी है, किस डिजाइन की बनानी है, वर्गाकार डिजाइन की, उसके क्षेत्रफल से दे दो भाग। तो भाई भुजा आपकी दो है, तो वर्ग की भुजा दो, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा कर दो, दो चौके आठ, दो पंचे दस, पाँच गुणा चार बीस, बीस वर्गाकार डिजाइनें बन जाएंगी। ये रहा सी ऑप्शन, आपका सही हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, क्या लिखा है कि किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अधिक है तो देखो क्या करते हैं, आप मान लो क्रय मूल्य आपका कितना है x, ठीक है ना। अब अगर लाभ हो रहा है 450 रुपए में बेचने पर, तो क्या होगा लाभ के लिए, कैसे निकालोगे आप, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ हो गया ना, लाभ हो रहा देखो, ठीक है। और 320 रुपए में बेचने से हुई हानि, अगर हानि होगी तो क्या होगा, क्रय मूल्य एक्स माइनस विक्रय मूल्य, तब हानि होगी, होगी कि नहीं, देखो हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, क्या है कि जो लाभ है वो बराबर है हानि से 30 अधिक, इतना ऐसे। देखो अब क्या करना है, अब क्या करेगा आप कि 450 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 320 में से 30 कटाओ, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 290 बिल्कुल बचेगा। अब पक्षांतर कर लो, तो x चला जाएगा इस तरफ, तो कितना हो जाएगा x और x 2x बराबर a हो जाएगा इस तरफ पक्षांतर, तो 450 और धन 290, 2x बराबर हो जाएगा 0, 9, 5, 14, 4, 2, 6, 1, 7, तो x बराबर 2 से कट गए कितनी 370 बार, से दूनी 74, तो x बराबर कितना आया 370 रुपये, कौन से ऑप्शन में है, ए रहा, x मतलब क्रैमुल, क्रैमुल कितना 370, समझ में आ गया। अगला सवाल ए रहा आपके बिल्कुल जस्ट सामने, ठीक है, क्या कहता है सवाल, कोई धनराशि 3 वर्षों में 850 रुपये हो जाती है, ठीक है, 3 years कितने हो गई 850, 6 वर्ष में 1000, ठीक है, 6 year हो जाती है, मतलब ए मिश्रधन दिया, ठीक है, 1000 हो जा रही है, ठीक है, आप 6 में से 3 साल घटा दो, कितना बचा 3 साल, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 3 साल का क्या निकलेगा, ब्याज, भाई 3 साल में कितना ब्याज होगा, कितना, 1000 में से 850 चला गया तो कितना बचा 150 रुपये, 3 साल में 150 रुपये ब्याज मिलता है, ठीक है, तो 3 साल में धनराशि कितनी हो रही थी 850 रुपये, तो मूलधन नहीं निकाल सकते, ए दिया आपको ए फोर अमाउंट, अमाउंट मतलब मिश्रधन 850 दिया, ठीक है, तो आप मूलधन निकालो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, प्रिंसिपल निकालो, तो क्या करोगे आप, मिश्रधन में से मिश्रधन कितना है 850, इसमें से ब्याज को घटा दोगे, घटा दोगे कि नहीं, मिश्रधन माइनस ब्याज कितना बचा, कितना बचा 700 रुपये। अब मूलधन है आपके पास, ब्याज आपके पास है, समय 3 वर्ष दिया, अब आप दर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, देखो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, तो 150 ब्याज है, ब्याज गुणा 100 बटे समय, भाई 3 साल का रखा ब्याज तो समय 3 साल रखेंगे, गुणा मूलधन, मूलधन कितना है 700, दो भाग, देखो 3 से तो कट गए 50 बार, 100 से 7 बार, 50/7, या आप इसको बदल सकते 7 सही और 1/7 प्रतिशत, 7 सही 1/7% 49 1/50 सही तो है, देखो ये आ गई आपकी दर, इतना आसान, कौन सा ऑप्शन, ए रहा आपका बी ऑप्शन, सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ए रहा, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि 3 वर्ष में कितना हो रहा 800 रुपये हो जाने दो, ठीक है, और 4 वर्ष में 840 रुपये, आप जब अभी पिछले सवाल में क्या किया, आप घटाते थे तो 1 साल का क्या निकलता था, 1 साल का निकला ब्याज, देखो इसमें से इसको उठा देंगे कितना आएगा 40 रुपये। अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो आप क्या करो, दर निकालने के लिए क्या किया करो, जितना ब्याज आया ना, ठीक है, वह पहली राशि, पहली राशि कितनी है 800, कितने प्रतिशत है 40, 800 का कितने प्रतिशत है, तो 108 800, 8 5 40 कितना आया 5%, ये दर हो गई आपकी, बताओ इतना सरल था, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। भाई ब्याज पे ब्याज मिलना तो 800 रुपए ही पे ही तो बड़े 40 रुपए, ठीक है, तो 40 रुपए 800 के कितने प्रतिशत है निकाल लो, यही तो चाहिए, तो 40/800 गुणा 100 दर आ जाएगी। ये हो गए आज के सवाल, समझ में भी आ गए होंगे, और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही बहुत अच्छे सवाल आपके लिए, बहुत कुछ आपके लिए बना के रखा है, हर रोज 3 बजे मैं आता हूँ,
3 बजे आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाता हूँ, ठीक है, जिसमें आप मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हो। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए जो भी आपका उत्तर आएगा। अगला सवाल मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है, ऑप्शन आपके सामने है, जो भी उत्तर आए वो आप कमेंट कीजिए। वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी इसलिए लाइक ज़रूर करें, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा।